अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं आपको हैच के बारे में बताऊंगा। ऑटो कैट के अंदर हैच को हम कैसे यूज करते हैं। बेसिकली हैच हमारे पास कोई चीज बनाने के लिए यूज नहीं की जाती है। हैच करती क्या है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बना लेते हैं, उसके अंदर हमें कोई कलर या कोई सिंबल्स वगैरह शो करने हो, तो फिर हम उसको हैच के थ्रू वहां पे शो करवाते हैं। तो इस काम के लिए आपको करना क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले अपना ऑटो कैट ओपन करते हैं, इसके डबल क्लिक करें, आपके पास ऑटो कैट ओपन हो जाएगा। तो जब ऑटो कैट आपके पास ओपन हो जाए, सबसे पहला काम हमेशा की तरह यूएन एंटर करें यूनिट्स के लिए, इंजीनियरिंग, फिट सिरिंज ओके कर दें, इंटर करें डायमेंशन के लिए, मॉडिफाइड के अंदर जाएंगे और यहां पे आप प्राइमरी यूनिट्स, इंजीनियरिंग, फिट सिरिंज ओके और क्लोज कर डालें। अब व्यू के अंदर जाए, डिस्प्ले यूसीएस आइकन और इसको ओरिजिन कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमने लास्ट लेसन किया था वो क्या था, पॉइंट्स। पॉइंट्स के बाद जो चीज आती है वो आपके पास हैच आ जाती है। हैच के लिए जो शॉर्टकट है वो क्या है आपके पास, एच। आप एच एंटर करें तो आपकी हैच ओपन होकर सामने आ जाएगी। हैच के लिए जो आपके पास शॉर्टकट है वो क्या है, एच। आपको एच एंटर करना होगा कीबोर्ड से। जैसे आप एच एंटर करोगे तो आपके पास आपकी हैच ओपन हो जाएगी। तो हैच के ऊपर काम करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे आप हैच के अंदर जाते हो, हैच की रिक्वायरमेंट होती है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसे सिलेक्ट कर पाऊंगा। देखिए, जब तक मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वापस रिटर्न नहीं होगा। तो जब जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट दे देंगे तो ये रिटर्न होकर वापस हैच के अंदर निकल जाएगा। तो उसके लिए मैं एक अपने पास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है, मैंने एक बॉक्स बना डाला। अब मैं हैच के ऊपर क्लिक कर देता हूं या एच अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये हैच का बॉक्स निकलकर सामने आ चुका है। हैश के बॉक्स के अंदर जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो आपको एड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना होता है, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को ऐड करवाना होता है हैच के अंदर, हैच के लिए। तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर डालें। अब कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इसे बताएं मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट है बॉक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक किया। जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूं, सेलेक्ट करके मैं इसको एंटर करूंगा, वापस ये पीछे की तरफ निकलकर चला जाएगा। अब यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, इसको प्रीव्यू करके देखें। जैसे मैं इसको प्रीव्यू करूंगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास ये वाइट एरिया मुझे दिखाई देगा यहां पे। अब अगर आपको ये एरिया चाहिए, यही स्टाइल चाहिए, तो आप इसको ओके कर देंगे, एंटर कर देंगे। लेकिन मुझे अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से स्केप प्रेस कर दूंगा। जैसे भी अपने कीबोर्ड से स्केप का बटन प्रेस कर देता हूं, ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया, तो वापस मैं हैच के अंदर रिटर्न कर गया। अब हैच के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आपके पास टाइप्स आती हैं इसकी। आपके पास प्रीडिफाइन होती है, यूजर होती है, कस्टम होती है। प्रीडिफाइन ज्यादातर यूज की जाती है। फिर मुख्तलिफ किस्म के इसके पैटर्न्स आते हैं। अब पैटर्न्स की चीजें आप इधर आ जाएं, मुख्तलिफ किस्म के ये आ रहे हैं लेकिन आपको इधर से ठीक तरह से नजर नहीं आएगा, तो आप बटन के ऊपर क्लिक कर डालें। मैंने इसके बटन के ऊपर क्लिक किया, अब आपके पास यहां पे जो सिलेक्टेड है वो ये है, देन ISO है और अदर प्रीडिफाइन है। तो अदर प्रीडिफाइन में हमारे मोस्ट वॉन्टेड हैच पड़े हुए हैं। तो मैं इसको भी उठा लेता हूं, एक उठा लिया मैंने इसको, ओके किया। ओके करने के बाद जस्ट मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा। आप प्रीव्यू पे क्लिक करें, जैसे आपने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो देखिए आपके पास एक दीवार शेप बनी हुई इधर आपको दिखाई दे रही है। बेसिकली इसने जस्ट आपको हैच बनाकर दे दी है। अब अगर आप इसको एंटर कर देते हो तो इसको एक्सेप्ट कर देगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हो, अपने कीबोर्ड से वापस आप स्केप प्रेस कर दें। तो मैंने फिर इसको स्केप प्रेस कर दिया। अब स्केप प्रेस करने के बाद सबसे पहली चीज क्या है, यहां पर आपके पास इसकी स्केल आ जाता है। अब ये स्केल क्या चीज है, अब वन स्केल से क्या बना है, इसका साइज कितना हो जाए आपके पास वन हो। लेकिन अगर मैं इसका स्केल टू कर दूं, डेफिनेटली आप भी समझ गए होंगे इसका साइज क्या होगा, बड़ा होकर आपके सामने आ जाएगा। अगेन इसे स्केप कर दे, वापस रिटर्न कर जाएगा इसके अंदर। अगर इसका साइज में कोई छोटा दे देता हूं, लाइक 0.5, रिव्यू करें तो आप देखें बहुत छोटा छोटा मेरे पास बना हुआ आ चुका है। स्केप कर दें, स्केप करने से वापस रिटर्न कर जाएगा ये। मैंने उसको वापस वन का दे दिया। और देन आपके पास कोई एंगल हो सकता है, आप कोई भी एंगल इधर खुद भी टाइप कर सकते हो। मैं एंगल देना चाहता हूं यहां पे 45 का, रिव्यू किया तो देखें तमाम चीजें मेरे पास 45 के एंगल के ऊपर आ चुकी हैं। यहां स्केप कर दे।
अब मैं अपनी हैश चेंज कर देता हूं यहां पे डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने अपने पास जो हैश ले रही है इस टाइम पे वो क्या है, स्टार। ओके कर दे और प्रीव्यू करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहां पर स्टार कोई भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम जो है वो क्या है, आपके पास देखिए मैसेज भी आपको दे रहा है, कहता है साइज टू स्मॉल। आपके पास बहुत ही छोटा साइज है ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर आप स्टार लगाने जा रहे हो। तो फिर आप क्या करोगे, स्केल में चले जाओ, आप अपने पास स्केल में आ जाएं और मैं कहता हूं मुझे टू का चाहिए, फिर भी नजर नहीं आया, स्केप कर दें। अब लेकिन यहां पे तो 0.5 और 2 के बगैर तो कोई है ही नहीं है, आप खुद टाइप कर सकते हैं। इसको टाइप कर देता हूं यहां पे 50। अब प्रीव्यू करें, अब देखिए आपको कुछ स्टार नजर आ रहे हैं। इस तरह से आप यहां पर खुद वैल्यूज टाइप करेंगे। जब आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही है, आपको खुद वैल्यू टाइप करनी होगी। खुद वैल्यू टाइप करेंगे तो फिर आपका हैच आपको बिल्कुल परफेक्ट नजर आ जाएगा। लेकिन जैसे एक बार तो आप इसे ओके कर देते हो, अब क्या होगा, अब आपने तो ओके कर दिया इसे, लेकिन आपको दोबारा से मॉडिफाइड करना था। तो आपको करना क्या होगा, वापस अंदर हैच के ऊपर जाएं और डबल क्लिक कर डालें। जैसे डबल क्लिक करेंगे, हैच वापस आपको अपनी जगह पर लेकर आ जाएगा और वापस आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हो। इसी तरह से वापस मैं इधर आ गया हूं, मैं इनको डिलीट कर सकता हूं, डिलीट प्रेस कर दूं कीबोर्ड से तो ये तमाम चीजें डिलीट हो जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या कर लेता हूं, मैं हैच के अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर बॉक्स बना लेता हूं, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स हो चुका है। अगेन मैं एच एंटर कर देता हूं कीबोर्ड से हैच के लिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने तमाम चीजें सिलेक्ट की है, एंटर कर दिया। रिव्यू कर देता हूं, जैसे मैंने प्रीव्यू किया, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर स्टार नजर आ रहे हैं, जबकि सेकेंड ऑब्जेक्ट में कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, थर्ड में फिर आपको नजर आ रहे हैं और मेड पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये क्या है, ऐसा क्यों है? स्केप करें, रिटर्न हैच के अंदर हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इधर अगर क्लिक करते हैं प्लस के बटन के ऊपर तो आपके पास एक एक्स्ट्रा विंडो सामने निकल कर आ जाएगी। अब इसमें क्या आ रहा आपके पास, नॉर्मल। तो नॉर्मल ये सिचुएशन है जो भी आप देख रहे हैं। स्केप करें, आउटर पे मैं क्लिक कर देता हूं और प्रीव्यू करता हूं। आउटर आपके पास ये सिचुएशन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर वाली में आपको क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। अगेन आप इसे स्केप कर दो, देन आपके पास आता है इग्नोर, नाम से जाहिर है इग्नोर कर दो इसको। अब आप रिव्यू करें, देखिए स्टूडेंट्स तमाम चीजों के ऊपर ये चीज अप्लाई होकर आपके सामने आ चुकी है। इसी तरह से आपको जो भी शेप चाहिए हो उसको लेकर आप इसको ओके कर सकते हैं, तो वही शेप आपके पास अप्लाई होकर आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है स्टूडेंट्स, वो भी आपके पास बेसिकली हैश का हिस्सा आता है, लेकिन वो क्या है, उसका नाम क्या है, ग्रेडियंट्स। मैं वापस हैश के ऊपर से आपको जाना बताऊंगा कैसे आप जाते हो। हैश के ऊपर आप क्लिक कर डालें तो देखें यहां पर भी ये ग्रेडियंट्स मौजूद है आपके पास, सेम एक सही बटन है, जस्ट आप क्लिक करेंगे आपको ये व्यू नजर आएगा वहां। आइए देखते हैं, इसमें क्लिक किया तो देखा इधर और ये सेम चीज है आपके पास। तो ग्रेडियंट्स क्या चीज है, अब इसमें भी सेम टू सेम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने कर देना है, एंटर कर दें, वापस आप इसको प्रीव्यू कर दें तो देखें कलर्स आ जाते हैं। अब क्योंकि मल्टी ऑब्जेक्ट्स मैंने लगाए हुए हैं तो इसलिए मेरे पास यहां पर नॉर्मल, आउटर और इग्नोर के ऑप्शन मौजूद हैं। जो आप ऑप्शन लेना चाहेंगे स्केप कर दें, आप कलर इधर से चेंज कर सकते हो, मुझको रेड कलर चाहिए था, नहीं मुझको इंडेक्स में से मोर कलर चाहिए है, नहीं आप कलर बुक्स भी चूज कर सकते हो। तो जो भी आप चाहेंगे यूज करना आप वो कलर इधर से यूज कर सकते हैं। ओके कर ले, अब कलर चूज करने के बाद आपके पास ये है, आपके पास क्या होगा, दरमियान में से व्हाइट होगा, बाकी आपके पास रेड एरिया नजर आएगा। देखिए स्टूडेंट्स ये चीज आपके पास नजर आ रही है, स्केप कर दें। आपके पास शेड की ऑप्शन है, जैसे जैसे आप शेड देते जाएंगे तो देखा आपके पास शेड देने से इसके ऊपर शेड आ जाएगा। वापस इधर आ जाए, आप टू कलर चूज कर सकते हो, मैं टू कलर पे चला गया और मुझे ये स्टाइल चाहिए, रिव्यू कर दें आपके पास ये स्टाइल आ जाएगा। स्केप कर दें, आप इसको भी एंगल डिफाइन कर सकते हो। अब देखिए मेरे पास ये बिल्कुल सीधा है, जैसे प्रीव्यू करूंगा तो ये टेढ़ा होकर मेरे सामने आ जाएगा। स्केप कर दें, तो ये आपके पास यहां पर कलर की ऑप्शन मौजूद है, आप मुख्तलिफ इसके अंदर कलर्स भी असाइन कर सकते हो। वापस इधर आ जाए, आउटर लेकर आप इसको प्रीव्यू कर दें तो फिर भी आपके पास कलर्स आपके बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देंगे। यहां पे मैं इसे एंटर कर देता हूं और इसको मैं डिलीट कर देता हूं, बल्कि इसको इधर रहने देता हूं। तो स्टूडेंट्स जब आप हैच अंदर जाते हो, सिलेक्शन के साथ एक और ऑब्जेक्ट मौजूद है, पिक पॉइंट। अब ये पिक पॉइंट क्या है, बेसिकली
देखें, जब हमारे पास मौजूद मुख्तलिफ किस्म की लाइनें मौजूद हैं, मैं इसके अंदर हैच लगाना चाहता हूं। हैच के अंदर आ गया, आसान तरीका पिक पॉइंट के अंदर जाएं और दरमियान में क्लिक कर डालें। यानी कि यहां पर आपको एक क्लिक करना है, यहां पर आपको एरिया नहीं बताना, आपको ये नहीं बताना यहां से यहां तक सिलेक्ट कर डालो, नहीं, आप तो जस्ट के मिडिल के ऊपर क्लिक किया, एंटर कर दें और इसके ऊपर आप हैच अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कुछ हैच के अंदर ऑप्शंस थी। तो इंशाल्लाह इस तरह से हमारा लेसन कंटिन्यू रहेगा। यहां पर जरूरत सिर्फ इस बात की है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस वक्त आपको कोई चीज ठीक तरह से क्लियर नहीं हो पाएगी। ऑटो कैट सीखने का एक ही मेन तरीका है, आपको प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात के लिए और अपडेट के लिए प्लीज विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं बगैर किसी फीस के। एंड में आपको एक्सपी अकेडमी की जानिब से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जो पता है एड्रेस के मुताबिक आपको आपके एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com या हमें कॉल कर सकते हैं 0343-901779 पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस कोर्स की मास्टर कॉपी चाहिए, मास्टर डीवीडीज चाहिए, तो फिर भी आप हमें कॉल करें 0343-901779 पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं इस दुआ के इस उम्मीद के साथ आप हमारे लेसन की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।